ये हमारा फाजा ऑटो सर्विस सेंटर है और हम लाए इस वीडियो में आपको डिस्क ब्रेक की सर्विस की प्रॉब्लम। इसमें डिस्क की प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमने इसकी डिस्क की सर्विस करी है, जिसके कारण हमारे जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं ये वाले कोल्ड ड्रिंक होते हैं और जिसके अंदर ये मास्टर सिलेंडर की ऊपर से जब हम मास्टर सिलेंडर के अंदर ऑयल डालते हैं तो वहाँ से जो है ऑयल जब इसके अंदर आता है तो ऑयल जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर डस्ट गंद जमा हो जाता है अंदर, जिससे हमारे जो कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जो अंदर जो होता है तो इसकी वजह से बेकार हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं, इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक के अंदर ना गंद जमा हो जाता है, तो जिस वजह से हमें इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो डिस्क की सर्विस करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे डिस्क की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे सेट करते हैं, डिस्क ब्रेक की सर्विस करते हैं, मतलब फिटिंग में आपको कैसे कैसे दिखाना है। तो फिटिंग के बाद अब आपको दिखाते हैं कि डिस्क की सर्विस में कैसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किस कारण हो रही थी प्रॉब्लम। ठीक, तो दोस्तों ये देखो, ये हमारे पास ऑयल ड्रिंक है और ये हमने अभी डिस्क के ऑयल में हल्का हल्का भिगा लिया है। ये देखो अलग अलग हल्का सा ब्रेक ऑयल में अंदर भिगा लिया और इसके अंदर हम इसको अभी फिटिंग करके दिखाएंगे आपको कैसे फिटिंग करते हैं। तो ये हमारा काले वाला जो ऑयल ड्रिंक होता है वो यहीं पर लगता है, सबसे नीचे लगेगा, ठीक है, जिससे फिटिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कटा पटा होगा तो ये डिस्क पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है, दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें फिटिंग के समय। तो ये देखो डिस्क के ऑयल ड्रिंक होते हैं और ये डिस्क के ऑयल ड्रिंक कटे होंगे तो काम नहीं करेगा, तो आप आराम से करें, ना कि पेचकस से भी काम करें, हल्का ऑयल लगा लें, आराम से लगाएं प्यार से। दोस्तों ये हमने अभी पूरी कोल्ड ड्रिंक एकदम बिठा दिए गए, अब इसके बाद हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर और ऑयल का बोर्ड लगाएंगे यहाँ से, जो मास्टर सिलेंडर में पैक मारेगा तेल, तो हम इसके अंदर फिटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप दिखाते हैं वो कैसे फिट करने आए। तो दोस्तों ये बोल्ट है हमारा ऊपर का मास्टर सिलेंडर तेल सिलेंडर का और इसके बाद हम इस बोल्ट को इसमें लगा देते हैं, यहाँ पर हमने ये फिट कर दिया, ये वाला जो बोल्ट हमने अभी इसमें फिट कर दिया है, अब इसके बाद जो टाइट कर देंगे इसको 14 का पाना से, 14 नंबर के पाना से टाइट कर दिया हमने इसको। दोस्तों ये देखो डॉट दिरी का तेल होता है, इसलिए हमने इसको डिस्क में हल्का ही तेल डालें, ठीक है, तो डिस्क के ऑयल में हमने यहीं से इसको फ्री कर देंगे, तो पहिया कैसे फ्री होगा, ये देखो डिस्क ऑयल आई और कम से कम ही रखें ताकि तेल ऊपर आराम से भूल जाए। ये पिस्टन है डिस्क ऑयल के, जिसमें डिस्क से प्रेशर बनता है, ठीक है, हल्का हल्का इन पर ऑयल लगा लें और उसके बाद इसको धीरे धीरे बैठा दें। तो आराम से बिठाओगे तो फिटिंग सही हो जाएगी, धीरे इसको हमें इसको इस तरीके से घुमाना है, डिस्क के जो पिस्टन होते हैं वो फ्री नहीं होंगे जब तक काम नहीं करेगा डिस्क, ऊपर आ गया, आया ना तेल। तो दोस्तों तेल देखो ऊपर भी आ चुका है डिस्क के ऊपर मास्टर सिलेंडर में, अब हम आपको दिखाएंगे डिस्क की पैड की फिटिंग। ये है डिस्क की पत्ती, इसको हल्का सा बेंड कर लें ताकि डिस्क की पत्ती डिस्क पैड को एकदम टाइट रखे, ठीक है, तो ये पत्ती हमारी हमने लगा दी यहाँ पे। ऑयल लगा लें उसको, जो बोल्ट होते हैं हल्का सा ऑयल जरूर लगाना, ये 10 नंबर के बोल्ट होते हैं। तो ये 8 नंबर की एल की बोल्ट होते हैं दो, इसमें हम लगा देंगे अब, जिससे एल की से टाइट करेंगे। तो ये है 8 नंबर की, ये 8 नंबर की एल की, इसको इससे हम टाइट कर देते हैं। दोस्तों बोल्ट हमने पूरी तरीके से टाइट कर दिए हैं, अब इसके बाद आपके डिस्क की पैड की लगाते हैं, डिस्क पैड फिर आपको सिखाते हैं डिस्क हमारा कैसे फिर होगा। तो इस पर हल्का सा ग्रीस ज़रूर लगा लें यहाँ पे, ताकि हमारी जो कैलिपर एकदम फ्री होकर चले, हल्का ग्रीस लगा लेंगे जिससे हमारा कैलिपर जाम भी ना होगा और बढ़िया तरीके से चलता रहेगा,
तो ये यहाँ पे फिटिंग हो जाएगा, पूरी तरीके से फिटिंग होने वाला है। अब इसके अंदर लगाते हैं हम डिस्प्ले। तो ये अभी यहाँ पे बैठा दिया हमने, उस अंदर ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिर्फ चिकनाई की ज़रूरत होती है जिससे जाम भी ना हो जाता। दोस्तों डिस्पैड हमारे ऑलरेडी पहले से ही ठीक ठाक हैं, नए डिस्पैड थे अभी कुछ दिन पहले ही डाले थे, तो इस वजह से डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी, हमने डिस्पैड वही रखे हैं पुराने, ठीक है। तो दोस्तों ये डिस्पैड हमारा एक इसके साइड में लगा है, यहाँ जो पत्ती लगी होती है इस पत्ती के नीचे लग जाएगा, और नेक्स्ट दूसरा एक इसके यहाँ पर ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। 5 नंबर की एलकी का बोल्ट लगाना है, ये 5 नंबर की एलकी का बोल्ट है। तो दोस्तों ये अभी पूरी तरीके से फिट होने वाला है, टाइट हो गया बोल्ट, हमने अब इसको अंदर बैठा देना है पूरे तरीके से, ये यहाँ पे फिट हो जाता है, जिसमें 12 नंबर के तो बोल्ट होते हैं, अब ये बोल्ट हमें इसके अंदर लगा देने हैं, और हमने ले लिया 12 की टी गोटी, इससे हमें टाइट करना है। इसके अंदर डिस्क का प्रेशर किस तरह से बनाना है, तो डिस्क का हमने प्रेशर बनाना है बस, बाकी हमने सब कुछ फिटिंग कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं डिस्क की सर्विस कैसे हुई, प्रेशर कितना बना। देखो दोस्तों ये ब्रेक हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों हमने ले लिया है 10-11 का पाना, जिससे हमारे को ये एयर का जो बोल्ट होता है हमने इसको हल्का सा खोल देना है, और उसके बाद एयर निकल जाएगी नीचे से, फिर हमारा डिस्क प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। नीचे देखा दोस्तों, देखो यहाँ से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया, अब इसके अंदर प्रेशर बनने वाला है। तो दोस्तों ये देखो, तो देखो दोस्तों ये देखो यहाँ से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया छलकना, इसका मतलब है कि प्रेशर पूरा काम कर रहा है। तो दोस्तों तेल हमारा इसके अंदर हल्का सा है, और हमें थोड़ा सा और डालना है जिसे पूरा करना है बस। तो दोस्तों ये थी डिस्कवर बाइक, डिस्कवर MCC 100M, जिसमें हमारे डिस्क में प्रॉब्लम चल रही थी, और हमारा एकदम टायर फ्री हो चुका है, जिससे हमारी को परेशानी बहुत ज़्यादा मिली थी, जैसे हमारा जाम होगा तो अब हमने एकदम फ्री कर दिया इसको, मात्र 8 मिनट के अंदर पूरी डिस्क की सर्विस करके दिखाई है हमने आपको, और एकदम हमारा डिस्क प्रॉपर तरीके से काम। तो दोस्तों ये है हमारा ख्वाजा ऑटो सर्विस सेंटर, और हमने आपके अंदर आपको दिखाया नहीं था पहले, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें ज़रूर दिखाएंगे। तो इस वीडियो में देखो हमने इसमें बहुत सारी बढ़िया तरीके से काम करा है, डिस्क की सर्विस के लिए हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है डिस्क की कम्प्लीट।